फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज मैं आया हूं विश्वंभरी माता मंदिर। जो आप लोग ये देख सकते हैं पीछे ये मंदिर है, जो अभी मंदिर का गेट बंद है और यहाँ का मैं आप लोग को आज टूर कराने वाली। यहाँ जब आप लोग बलसार में आते हैं तो बलसार से ये मंदिर 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये मंदिर का भव्य इतनी सुंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है, जो आप लोग यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं आप लोग को आज इसका टूर कराने वाला, पूरा दर्शन कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक आप लोग देखें। तो गाइस, ये एंट्री गेट है जो आप लोग देख सकते हैं विश्वंभरी माता का। तो ये बलसार से ये 15 किलोमीटर दूर ये मंदिर पड़ता है, जो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर इसका दृश्य है। जो आप लोग ये चारों तरफ देख सकते हैं इस मंदिर को, यानी इस खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है, जिसको बयान नहीं कर सकता। यानी बहुत ही सुंदर ये मंदिर है जो आप लोग ये देख सकते हैं। तो गाइज, मैं आप लोग को सबसे पहले लेकर चलता हूँ उस हाथी के पास। मैं आप लोग को वहाँ लेकर चलता हूँ और वहाँ पे बहुत ही, यानी ऐसा लगता है रियल में वो हाथी खड़ा है, जो मैं आप लोग को वहाँ लेकर चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं इस हाथी की खूबसूरती, यानी जो आँख लग रही है इसके बिल्कुल रियल आँख लग रहा है। यानी आप लोग को देखने में नहीं लगेगा कि ये मतलब कोई स्टैचू बनाया गया है, ये बिल्कुल रियल हाथी लग रहा है और इसका वो एक छोटा सा बच्चा बनाया गया है, जो आप लोग इसको देख सकते हैं। यानी यहाँ पे इतनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। उधर वृंदावन बनाया गया है, यानी हर एक का लोकेशन यहाँ पर दिखाया गया है, जो मैं आप लोग को आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मैं आप लोग को ये देख सकते हैं, इधर मंदिर है, इधर मंदिर, और ये माता का मंदिर है जो मेन माता इसमें है विश्वंभरी माता, जो अंदर अभी द्वार बंद है। मैं आप लोग को पहले चारों तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ, लोकेशन दिखा देता हूँ। यानी आप लोग को देखने में ये बिल्कुल स्वर्ग से ये मंदिर कम नहीं। और ये जिराफ देख सकते हैं, जो ये जिराफ का स्टैचू बनाया गया है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। जो आप लोग ये देख सकते हैं जिराफ का स्टैचू। और मैं आप लोग को उधर लेके चलता हूँ, जिधर वृंदावन का पूरा बसाया गया है, उधर मैं आप लोग को लेके चलूँगा। और इधर ये गार्डन बनाया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मयूर को बनाया गया है, मयूर का स्टैचू। इधर छोटा जिराफ बनाया, उधर पंख फैलाया हुआ मयूर है। और इधर से भी आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़ बनाया हुआ छोटा, जिसमें बंदर है और उसके बच्चे। यानी इतना अच्छा ये स्टैचू लग रहा है, यानी बिल्कुल रियल। इधर पूरा गोकुल धाम इधर बसाया गया है, जो आप लोग ये देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जो गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने जो अपने उंगलियों पे उठाया था, वो पूरा सीन यहाँ गोकुल धाम को यहाँ पे दिखाया गया है, जो आप लोग ये देख सकते हैं। जो आप लोग ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लगता है इसमें प्राण नहीं है, नहीं तो ये ऐसा लगता है कि मूर्ति जो है, ये स्टैचू बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें केवल प्राण है, बिल्कुल रियल लग रहा है, जो आप लोग ये देख सकते हैं। और अभी तो मैं आप लोग को इधर दिखाया, अभी उधर भी बहुत सारा चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ बाकी है। और इधर ये देख सकते हैं ये जो बंदर है बिल्कुल हनुमान जी को पताका लिए हुए बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है रियल में कोई बंदर बैठा हुआ है पताखा लेकर। तो मैं आप लोग को अब उधर लेके चलूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, बहुत ही वीडियो ये ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें और शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं इधर सुंदर सुंदर बर्ड के जो हैं वो स्टैचू बनाया गया है, ऐसा लगता है बिल्कुल रियल में ये सब यहाँ पे हैं, आके बैठे हुए हैं। जो ये स्टैचू आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ये हमारे तरफ ही देख रहा है। मैं आप लोगों को उसके अंदर लेकर चलता हूँ कि उधर अब क्या है। बैकुंठ धाम पंचवटी इधर। ये पूरा गौशाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मंदिर को निर्माण किया यानी बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर का जगह है और लोकेशन है। तो यदि आप लोग कभी भी बलसाड क्षेत्र हैं तो यहाँ विश्वंभरी माता आप लोग राबड़ा में ज़रूर एक बार आएँ, उनका दर्शन करें। और इधर है ये पंचवटी राम कुटर, जो मैं आप लोग को अब उधर लेके चलता हूँ, जो आप लोग इधर का भी ये दृश्य देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को उधर लेके चलता हूँ। लक्ष्मण और माता सीता और उनका जो प्रिय घोड़ा था वो उधर है। तो इधर पंचवटी कुटीर राम कुटीर इधर बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे आने पे आपको हर एक भगवान का सबका दर्शन हो जाएगा, मात्र एक ही जगह आने पे। तो देख सकते हैं ये इतनी ऐसा लग रहा है कि ये तो माता सीता और श्री राम और भगवान लक्ष्मण यहाँ पे साक्षात बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोग को इसके आगे भी लेकर चलता हूँ, ये आगे क्या है। तो इधर देख सकते हैं, इधर कुछ भीड़ लगा है, इधर एक कुआं है, वो भी हम देख लेते हैं। और अभी इधर कुछ नहीं है, केवल इधर गौशाला है। और इसके नीचे ये देख सकते हैं कुआं बहुत ज़्यादा खाई है इसका। भी बच्चा है जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम फिर से आपको लेके चलते हैं उस पार, जिधर माता विश्वंभरी हैं, उधर मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। और मैं आप लोग को वहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये साक्षात कछुआ है, जो विश्वंभरी माता के आगे एक बड़ा सा आप लोग कछुआ देखे होंगे, ये वो कछुआ है जो आप लोग ये देख सकते हैं। ये साक्षात एक कछुआ है जो चल रहा है, जो आप लोग उसका आकार देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये आप लोग देख सकते हैं, यही है वो विश्वंभरी माता, जो यहाँ पे उनका तस्वीर लगाया गया है। यानी ये पूरे विश्व की माता है, यानी विश्वंभरी, यानी पूरे विश्व की ये माता है विश्वंभरी माता। मैं आप लोग को अब दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिंह का जो स्टैचू है बिल्कुल रियल लग रहा है यार, क्या गजब बना, जो आप लोग ये देख सकते हैं। और इधर ये महादेव जी हैं, महादेव ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, और इधर बड़ा कुछ हुआ, और उसके दोनों साइड है नंदी महाराज हैं, और ये विश्वंभरी माता का मंदिर है, जो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य ये मंदिर को बनाया गया है, और देखने में इतना मस्त लग रहा है। ये सिंह को देख सकते हैं, बिल्कुल रियल सिंह लग रहा है। और इनके चारों तरफ देख रहे हैं, ये यज्ञ कुंड है, ये यज्ञ कुंड है। जब यज्ञ होता है तो उसमें हवन होता है। और ये इधर ये बड़ा यज्ञशाला है, जो आप लोग ये देख सकते हैं। और जिस टाइम जब ज़्यादा भीड़ होता है पब्लिक को, तो इसी रास्ते से इसमें बनाया गया है, जो एक एक करके ज़्यादा भीड़ ना हो उस तरह बनाया गया है, और आदमी दर्शन कर सके माता का। तो अभी तो माता का मंदिर जो बंद है, जो आप लोग देख सकते हैं वो मंदिर वहाँ से है, वो बंद है। तो यहाँ से ही मैं आप लोग को ये विश्वंभरी माता का मैं दर्शन करा देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत अंदर इस मंदिर को बनाया गया है, जो ऊपर का स्टैचू, ये मंदिर का जो आकार देख सकते हैं। और ये चारों तरफ का भी दृश्य आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये चारों तरफ का दृश्य है। और इधर प्रतिदिन बहुत मात्रा में भीड़ होता है, जो अभी तो बरसात का थोड़ा मौसम है, और थोड़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और उस पर से बरसात का भी मौसम है। जो ये आप लोग बादल को देख सकते हैं, पूरा बादल छाया हुआ है। और ये माता का मंदिर है, जो माता इसमें विराजमान है, जो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही इसका ऐसा लग रहा है पूरा नेचुरली इस मंदिर का जो दृश्य है पूरा नेचुरली है, बहुत ही सुंदर है इस मंदिर का दृश्य। तो आप जब भी कभी यहाँ आए तो एक बार ज़रूर यहाँ पे घूमें। और यहाँ से हम लाइन में लग चुके हैं, जो माता का गेट खुल चुका है उनका दर्शन करने के लिए। तो सभी लोग लाइन में एकत्रित हो गए हैं, खड़े हुए हैं माता का दर्शन करने के लिए। तो हम भी लाइन में खड़े हैं और चल रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए, और आप लोग को भी कराते हैं। और फ्रेंड्स मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। जो आप लोग ये देख सकते हैं अंदर का दृश्य, और पूरे इसको ऐसा बनाया गया कि हम बिल्कुल अंतरिक्ष में आए हैं, यानी विश्वंभरी माता यानी पूरे विश्व इनके अंदर समाया हुआ है। उस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जब हम अंदर ये ढूंढते हैं तो आप अंदर का भी ये दृश्य आप लोग देख सकते हैं। जो माता है वो तो 7 घोड़ों पे विराजमान है, पीछे उनके सूर्य देव हैं, जो उनका दर्शन करने से बहुत ही अनोखा उनका दर्शन होने वाला है। और इधर एक स्कूटी रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक रियल घटना है। ये बिल्कुल और विश्वंभरी माता को उन्होंने अपनी बाइक पर बैठा कर लाए थे, और विश्वंभरी माता का यहीं पर स्थापित किया था, उनका मंदिर बनवाया था। और उनका स्टैचू मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग देखकर बिल्कुल ही शौक रह जाओगे। ऐसा लगे कि जो वहाँ पे कोई स्टैचू नहीं, बिल्कुल उनको बैठाया गया। और ये है माता विश्वंभरी माता, जिनका आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जो देख सकते हैं बिल्कुल सोने के जैसे इस रंथ को बनाया गया है, और ये रंथ पर सवार विश्वंभरी माता है, जिनका अद्भुत दर्शन उनके दर्शन माता से ही 5.5 करोड़ दूर हो जाते हैं, पूरे विश्व के संकट दूर हो जाते हैं। जो आप लोग दर्शन कर सकते हैं विश्वंभरी माता का, तो एक बार कमेंट में आप लोग जय माता दी जरूर लिखें, और लिखना ना भूलें, तो आप लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। और विश्वंभरी माता का दर्शन करने के बाद हम घुस चुके हैं एक गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर हम भोले बाबा का दर्शन करेंगे, और दर्शन करते हुए हम बाहर निकलेंगे। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट इस गुफा का भी देख सकते हैं पूरी लाइट की व्यवस्था की, जो बहुत ही अद्भुत लग रहा है ये। तो हम इस रास्ते से भोले बाबा का दर्शन करने के बाद हम आप लोग बाहर लेके चलेंगे आप लोग को, और वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स हम लोग भोले बाबा का दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। जो आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ आप लोग को बाहर से ही मंदिर दिखाया था। जो ये हम उसके मंदिर के टॉप फ्लोर पे आए हुए हैं, और इधर से जा रहे हैं नीचे। तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं बाहर। जो आप लोग बाहर देख सकते हैं, हम लोग बाहर बिल्कुल निकल चुके हैं। और इसी वीडियो के साथ मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, और वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट और प्यार